अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव पैसिव पास्ट टेंस। जैसे कि मैं अपनी पिछली वीडियो में प्रेजेंट टेंस करवा चुकी हूँ, सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्टिव पैसिव पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में सबसे पहले हमारे पास है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करने के जो रूल्स हैं वो हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करनी है, यूज ऑफ वॉज एंड वर्ब यूज करना है, वॉज विद सिंगुलर, यानी कि वॉज जो है हमें सिंगल नाउन के साथ यूज करना है, एंड वर्ब विद रूलर, वर्ब जो है हमें रूलर यानी एक से ज्यादा के साथ इस्तेमाल करना है, यूज ऑफ बाय और साथ में बाय का भी यूज करना है। सेंटेंसेस, एक्टिव सेंटेंस, ही रोट अ लेटर। अब इस सेंटेंस में ही हमारे पास सब्जेक्ट, रोट हमारे पास वर्ब, अ लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि जब एक एक्टिव सेंटेंस पैसिव में चेंज होता है तो जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, और वर्ब की फॉर्म हम अकॉर्डिंग टू रूल्स चेंज करते हैं। तो जब हम इस सेंटेंस को पैसिव में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। यहाँ पे लेटर ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे अब सब्जेक्ट बन गया, यहाँ पे ही सब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, रोट की हमने यहाँ पे यूज की थर्ड फॉर्म। सो ये सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में चेंज हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, माई मदर बॉट द ड्रेसेस। ये है एक्टिव सेंटेंस। जब आप इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा द ड्रेसेस वर बॉट बाय माय मदर। नेक्स्ट टेंस हमारे पास आता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करने के जो रूल्स हैं वो हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज करनी है, यूज ऑफ वॉज बीइंग एंड वर बीइंग, इसके साथ साथ हमें वॉज बीइंग और वर बीइंग को यूज करना है। वॉज बीइंग जो है सिंगुलर के साथ हम इस्तेमाल करेंगे, वर बीइंग जो है हम वो प्लूरल के साथ यानी एक से ज्यादा नाउन के साथ हम इस्तेमाल करेंगे, यूज ऑफ बाय और बाय का भी हम यूज करेंगे। सेंटेंस देख लें, एक्टिव सेंटेंस है हिरा वॉज क्लीनिंग द फ्लोर। इस सेंटेंस में हिरा हमारे पास सब्जेक्ट है, क्लीनिंग हमारे पास वर्ब है, द फ्लोर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब इस एक्टिव सेंटेंस को जब हम पैसिव में चेंज करेंगे सो ये बन जाएगा द फ्लोर वॉज बीइंग क्लीन बाय हिरा। जैसे कि फ्लोर सिंगल में आता है, सिंगुलर में, तो हमने वॉज बीइंग यूज किया, क्लीनिंग की क्लीन थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पे यूज की, और बाय हिरा जो हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल, एक्टिव सेंटेंस, दे वर पिकिंग द पार्सल्स। दे हमारे पास यहाँ पे सब्जेक्ट है, पिकिंग यहाँ पे हमारे पास वर्ब है, द पार्सल यहाँ हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब ये एक्टिव सेंटेंस जब पैसिव में चेंज होगा तो वो बन जाएगा द पार्सल्स वर बीइंग पिक्ड बाय देम। नेक्स्ट टेंस हमारे पास आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने के लिए जो रूल्स हैं वो हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, इसके बाद यूज ऑफ हैड बीन का इस्तेमाल करेंगे, हैड बीन इज यूज विद सिंगुलर एंड प्लूरल। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यूज होगा, यूज ऑफ बाय। सेंटेंसेस देख लें, एक्टिव सेंटेंस I had rung the bell. इस सेंटेंस में I हमारे पास सब्जेक्ट है, rung हमारे पास वर्ब है, the bell हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब ये सेंटेंस जब पैसिव में चेंज होगा तो ये बन जाएगा the bell had been rung by me।
सेकेंड एग्जाम्पल देख लें, एक्टिव सेंटेंस, फादर हैड टेकन द लंच. इसमें फादर हमारे पास सब्जेक्ट है, टेकन हमारे पास वर्ब है, द लंच हमारे पास ऑब्जेक्ट है. अब जब ये एक्टिव सेंटेंस हमारे पास पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा, द लंच हैड बीन टेकन बाय फादर. नेक्स्ट हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. दिस टेंस कैन नॉट बी चेंज. रूल्स के अकॉर्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम एक्टिव पैसिव में चेंज नहीं करते हैं. सो ये थी मेरी आज की वीडियो, एक्टिव पैसिव पास्ट टेंस. आई होप सो कि आप सबको आसानी से समझ आ गई हो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस आसानी से मिल सकें. Thank you so very much. Have a nice day.